जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कूपर्स लॉ एसोसिएट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं बीइंग एज अ टीम, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न किन किन को फाइल करना चाहिए, वेल्थ टैक्स रिटर्न अलग चीज़ें हैं, इनकम टैक्स रिटर्न अलग चीज़ें हैं। सेक्शन 115 जो हमें कहता है, दोज पर्सन हु आर नॉट अब्लाइज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लाइक अ विडो, ऑर्फन, डिसेबल पर्सन और पर्सन नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान से बाहर होता है, जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट डू थिंक? अभी आपने जैसे बताया कि ऑर्फन को एग्जेम्पशन है, तो उसकी कोई एज लिमिटेशन भी है? 25 इयर्स ओल्ड, अप टू 25 इयर्स उसकी कोई फाइल नहीं करेगा। एक कंफ्यूजन है मेरे माइंड में, जी जी वो क्लियर कर दे। वो ये है कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से प्रॉपर्टी परचेज करता है पाकिस्तान में, तो कुछ लोगों का एक ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, तो वो पैसे जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो इलीगल ट्रांजेक्शन भी होती है। काफ़ी लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हुंडी हो गई। ओके, तो क्या उनको फिर ये कल को उनके लिए प्रॉब्लम पड़ सकती है अगर वो कल को वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास तो सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान की नहीं है, तो वो कैसे उसको करेंगे? एग्जैक्टली, देखें आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपका जो सवाल है, वेरी वेरी गुड। जो लोग हुंडी से करते हैं, दैट इज़ बिकम द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज अ क्रिमिनल क्राइम, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अवॉइड कर सकते हो टैक्स को थ्रू टैक्स प्लानिंग, दैट्स व्हाई पीपल पे अस एज अ प्रोफेशनल फी टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस हाउ टू डिक्लेयर दिस एसेट्स, बट थ्रू बैंकिंग चैनल इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसे बहुत सवाल उठ रहे हैं, ऐसे डील करेंगे। और सिटी कोर्ट में काफ़ी हमारे, आप तो लीड कर रहे हो केस का, सिविल केस में एक में बेनामी ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें आपने राइटली क्वेश्चन पुट अप किया था, व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ये मेरे केस से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप उसको टैक्स में थोड़ा कवर कर लें। एग्जैक्टली, तो रिटर्न किसको फाइल करना चाहिए, वेल्थ किसको फाइल करना चाहिए? वेल्थ तो हर किसी को फाइल करना चाहिए, इनकम टैक्स की बात हो रही है। सो फॉर एनी क्वेश्चन, सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।